नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी हम चले आए अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक योग शिविर में। जिस तरह का हमारे बीच पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी यहाँ पर योग शिविर में भाग लेकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। आइए इनसे भी पूछते हैं कि योग शिविर में क्या क्या महत्व होता है। सर पहले बताइए, योग शिविर में आए हैं क्या महत्व? देश की आत्मा, आदमी बिना दवा के भी निरोग रह सकता है। लोगों को दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। निरोग रहने की एक ऐसी विधा है जो हमारे देश के ऋषि मुनियों ने याद किया है। प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रयास के कारण आज पूरी दुनिया इस विधा से परिचित हो रही, इस विधा को अपना रही। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता जब से मिली है, दुनिया के 33 देशों में इस प्रकार के योग के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये भारत के मान और सम्मान के बढ़ाने का अभियान चला है। मैं जरूर अपील करना चाहता हूँ, योग जाति संप्रदाय की सीमा से बंधा हुआ कोई क्रिया नहीं। योग तो संपूर्ण मानवता को निरोग करने की क्रिया। योग अपनाएं तो देखिए, पाटलिपुत्र परिषद हिंदी साहित्य कला संस्कृति का केंद्र रहा है। ये बहुत ही पुरानी संस्थाओं में से एक है। जहाँ तक योग की बात है तो प्रारंभ से ही योग यहाँ शिविर चलता आ रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से जब 2014 में योग की विश्व के मानस पट पर एक कल्पना लेके हम पूरे विश्व में योग दिवस मनाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो यूएनओ में इसका प्रस्ताव रखा गया। और एक पूरे विश्व का एक रिकॉर्ड है कि 90 दिन के अंदर यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व योग दिवस पारित किया, जो एक ऐतिहासिक ये मतलब कि एक रिकॉर्ड है। और तब से लेकर अब तक ये पंचम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस योग दिवस में कई एक रिकॉर्ड बने हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सबसे पहले जब 2015 में योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली के राजपथ पर मनाया तो 35,985 लोग एक साथ राजपथ पे योग करके दिखाया। दूसरा कि 84 देश एक साथ ये योग एक समय में एक दिन में 21 जून को मनाने का दृढ़ संकल्प लिया। और ये योग जो है जोड़ने का चीज़ है। जिस तरह शरीर श्वास और आत्मा का मिलन है जोड़ है योग, उसी तरह एक कदम आगे बढ़ के प्रधानमंत्री ने योग को द्वारा पूरा विश्व को जोड़ा है, पूरे देशों को जोड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है। आज इसी का परिणाम है कि आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरा विश्व लगभग 124 कंट्री एक साथ करे योग रहे निरोग की भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। और योग जो है सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, एक विधा नहीं है, योग एक संस्कार संस्कृति को पौराणिक चीज को जगाने का एक साधन है। अंदर में बैठे हुए नकारात्मक भाव को बाहर निकालता है और अनुलोम विलोम के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जब हम सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर प्रवेश करते तो हम स्वस्थ होते हैं। जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ होगा। जब हमारा परिवार स्वस्थ होगा तो समाज और राष्ट्र स्वस्थ होगा। और माननीय प्रधानमंत्री ने इसी मंत्र को आगे बढ़ाते हुए विश्व गुरु की जो परिकल्पना की गई है। उनके हाथ से भी हमारे शरीर के तनाव दूर हो जाते हैं। रिलैक्स, सामान्य।